ऐसे लगता है जैसे किसी ने टेक लगा के खड़ा किया। लगता है जैसे हम हैरी पॉटर में आ गए, उसके अंदर उन्होंने कंप्यूटराइज पहाड़ बनाए हुए थे। आपको नीचे जो है ऊंट खाते पीते नजर आ रहे होंगे, वो भी इस वादी का हुसन है। यार सोनिया की याद करेगा है की सोचेगा भाई मोए किधर ले गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी 4x4 है, शायद ये इसी दिन के लिए हमारे पास थी, शायद ये बाबू का प्यार हमें यहाँ ले आया कि 4x4 को टेस्ट किया जाए। वहां से आगे सिर्फ जीप जा सकती है, 4x4 गाड़ियां जा सकती हैं। अबरार आया था इधर, यूट्यूबर अबरार, तो वो मोटरसाइकिल पे आया था, वो बेचारा शायद मेरे हाथ से पैदल यहाँ पे गया थोड़ा सा आगे, उसके बाद फिर वापस आ गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम भी चल दिए हैं अपनी 4x4 कार को लेकर। ऐसे चश्मे आपने शायद ही कभी देखे हो। बेहतरीन नज़ारा वादिये दामा का, बहुत कम लोग आपको शायद ये सीन दिखाएं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक रास्ता राइट को जाता है, एक लेफ्ट को, और हम वो उस जीप के पीछे पीछे जाएंगे।
वाला इलाका है। हम भी अपनी गाड़ी का मोड चेंज करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको दोबारा वादी दामा में खुश आमदीद। ये आपको तबूक से ये रोड जो है ये सीधी आपको इस वादी में लेके जाएगी। ये मिस्ट्री है, ये वादी शायद ही कभी किसी ने देखी हो। ये रोड जो है ये तबूक की तरफ से जाती है इस जगह पे वादी दामा की तरफ, और रास्ते में तो ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके बाद वो जीप वाला ट्रैक है। इस साइड से भी जीपें नहीं है, इधर दूसरी साइड से जो शॉप है वो गाँव है वहाँ का, वहाँ से जो जीप्स वगैरह है वो आती रहती है। नाज़रीन ये वाला रोड जाता है तबूक की तरफ, और ये जो मैंने वापस आपको दिखाया है ये वाला रोड ये वादी दामा की तरफ जाता है।